मेरा नाम नजीर अहमद खटाना है, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का मैं रहने वाला हूँ, हल्का करालपुरा दर्दपुरा का बसनीक हूँ। जनाब, पिछले 3 महीने से हमारी सरकार से ये गुजारिश रही है कि हमारी बड़ी नंबर नाड़ दजिन में एक बैक होती है, जिसमें हमारी एक बस्ती है, कम से कम 7 कोठों के ऊपर मुश्तमिल थी वो। उस बस्ती को वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों ने कोठे हमारे जला दिए और हमें फ़ोन करते हैं कि भाई आपके कोठे जल गए। हम जब वहाँ पर पहुँचे, हमने देखा कि हमारा जो घर थे वहाँ के आर्जी घर 6 महीने के लिए वो जला दिए गए हैं, हमारे रास्ते उन लोगों ने बंद कर दिए गए हैं। हमने फिर पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त डाली, प्रोसिक्यूशन ने बोला, पुलिस वालों ने कि हम कार्रवाई करेंगे। 3 महीने हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। 3 महीने तक हम जब भी जाते हैं SHO के पास, वो आगे से हमें डरा रहा है, धमका रहा है, और वो लोग हमें धमकी दे रहे, जाओ आपको जहाँ तक जाना है जाओ, हमारा कुछ भी आप नहीं कर सकते। उन लोगों ने वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जितनी भी ज़मीन है उसको उन्होंने काट कर ऊपर से जला कर उसमें आलू और राजमा लगाए हैं। कम से कम 3,000 से 4,000 कुनाल ज़मीन को उन्होंने जंगलात को आबादी बनाए। अब जो हमारी जो बैक है, इस बैक में हमारा माल मवेशी रहता है, हम और कोई काश्त नहीं करते हैं वहाँ पर, आलू नहीं लगाते, सब्ज़ी नहीं लगाते, कुछ भी जो कुछ भी जाते हैं हम घर से विंटर की जैसे राशन ले जाते हैं, ऐसे वहाँ के लिए लाते हैं 6 महीने के लिए। अब वो लोग वहाँ पर भी कब्ज़ा करके काश्त कब्ज़ा करना चाहते हैं। वहाँ के जो रहने वाले हैं लोकल, वहाँ के लोग हैं बूढ़ी नमल के, उन लोगों ने ये किया है। उन्होंने पूरा बूढ़ी नमल है जो गांव, वो 400 से कम 400-500 चूल्हे के करीब है, उन्होंने पूरा वो जहाँ पर कम से कम 1,000 हिसाब में ज़मीन है वो उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा करके रखा है और गुंडागर्दी कर रहे हैं। FIR के लिए हमने एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन करालपुरा में दी, लेकिन हमारे साथ जो SHO था वो इधर इधर करता रहा हर टाइम में। कब इसको आज 1 अप्रैल से आप शुरू करो, 20 अप्रैल से शुरू करो, आज तक चल रहा है काम। सबके पास गए जनाब, ग्रामीण सेल में भी हमने की, हमने यहाँ कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी डाली हैं, जम्मू से भी करवाया है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के जितने भी हैं उन्होंने ये भी सुना है कि उन्होंने कुछ फंड्स जमा किए हैं, पैसा जमा किए हैं।